भैया ना हो गया पूरी, कितनी तगड़ी ना हुई है, पर लगाना पड़ेगा, लेंस बनानी है तो भाई 15 की वेट एक अच्छे से आजकल बिगिनर को देखा है बस वेट डालते हैं, आते सर पहला सेट वार्म अप भी नहीं करते, वार्म अप तो करना ही नहीं है उनको, सीधा बस वेट डाल दो पहला फटाफट हैवी लग जाए उसके बाद देखेंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हरे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो हमारे होने वाली लेग्स वर्कआउट के ऊपर, और जो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा वो है 140 kg बारबेल स्क्वाट के ऊपर। तो हमेशा आप लोग अगर कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हो, या वो बैक का हो या वो लेग्स का हो, तो उसके पहले अच्छे से वार्म अप करें, उसकी स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद हैवी लिफ्टिंग स्टार्ट करो। तो लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट करने से मैं पहले स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, वार्म अप कर रहा हूँ, उसके बाद अपन हैवी लिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे जितना हमसे हो सकता है उतना। तो पहली एक्सरसाइज हम लगाएंगे बारबेल स्क्वाट, जो कि स्टार्ट करूंगा मैं पहले सेट अपने वार्मअप से। मैंने डाला है 10 की प्लेट और 10 की प्लेट टोटल 20 किलो हो गया, तो इसके मैं 15 रैप लगाऊंगा बिल्कुल आराम से एज अ वार्मअप। तो पहला सेट कंप्लीट करने के बाद मैं बढ़ता हूँ अपने दूसरे सेट के ऊपर, जो कि मैं डालता हूँ 15 किलो इस सेट, 15 किलो इस सेट, टोटल वेट हो गया 25 किलो और 25 किलो। और बारबेल का वेट होता है 15 से 20 किलो के बीच, जो बारबेल मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका 20 किलो वेट है। तो आप लोग लगा लो 25 यहाँ 25, 50 प्लेट हो गया और 20 की बारबेल, टोटल वेट हो गया 70 किलो। कुछ लोग बारबेल का वेट गिनते हैं और कुछ लोग बारबेल का वेट नहीं गिनते। अगर आप इसमें बारबेल का वेट गिनेंगे तो मैंने वेट लगाया 70 किलो, और अगर आप इसमें बारबेल का वेट नहीं गिनेंगे तो मैंने वेट लगाया सिर्फ 50 किलो। तो अपन इसके बाद, इस सेट के बाद मैं डालने वाला हूँ वेट, सारा वेट निकाल के 25 की प्लेट और 10 की प्लेट, मतलब टोटल 35 किलो यहाँ पे, 35 किलो यहाँ पे। सो 90 किलो के वेट के साथ हमारे 10 रैप आराम से आ चुके हैं, जैसे कि आपने देखा है। तो अब हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले पड़ाव के ऊपर, जो कि है पूरा 1 क्विंटल 100 kg। इसके मैं रैप निकाल दूंगा आराम से 8 से 10 के बीच। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 8 से 1.5 साल पहले जब मैं अच्छी कंडीशनिंग में था अपनी बॉडी की, उस टाइम मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ थी, उस टाइम मैंने स्क्वाट लगाता था 145 kg के साथ, उसके 6 से 7 रैप निकल जाते थे मेरे, पीछे एक आधा स्पोर्ट आता था, वरना तो मैं खुद सेल्फ 6 रैप आराम से लगा देता था। लेकिन उसके बाद मेरी स्ट्रेंथ गिर चुकी है, क्योंकि मैं काफी घूमने चला गया था, काफी बहुत सारे लेवल आते हैं यार, बनता एक टाइम पे कई बार स्टेबल नहीं रह पाता, तो मेरी स्ट्रेंथ अब आज 1 क्विंटल के सिर्फ 8 रह पाते हैं, ये सीन है। क्योंकि यार उस टाइम कंडीशनिंग काफी अच्छी थी, मेरी स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी, और उस टाइम मैं काफी लीन भी था, मेरे एब्स भी थे। आप यूट्यूब पे जो फोटो लगी देख रहे हो ना डीपी, वो उस टाइम की है। तो उस टाइम मेरे एब्स भी थे, काफी अच्छी कंडीशनिंग थी मेरी बॉडी की। बट चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे दुख नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं उस लेवल को कर चुका हूँ, अचीव कर चुका हूँ। लेकिन कुछ लोग जो अचीव नहीं कर चुके, वो आजकल शोशेबाजी करते हैं यूट्यूब पे, भाई हमने बहुत कुछ कर लिया, किया कुछ नहीं है, तुम्हारी बस कमजोरी है, एब्स कुछ नहीं होते। आजकल देखा मैंने बहुत सारे लोगों को जो स्क्वाट का मतलब भी नहीं जानते, और सिर्फ इतना बस उनको वेट डालने की जल्दी होती है, बारबेल में वेट डाल दो, जितना हैवी होता डाल दो और बस बैठ जाओ, बैठते भी पूरा नहीं है, डीप जाते नहीं है, आधा आधा बैठ के बोलते हैं स्क्वाट हो गया।
ऐसे स्क्वाट लगाने होते थे पूरी दुनिया लगा लेती भाई, स्क्वाट ऐसे नहीं होते, एक क्विंटल वेट डालने के बाद पूरा नीचे जाया करो, ये सिर्फ उसको पता होता जो एक बॉडी बिल्डर होता है जो 8-10 साल से इसमें होता है। आजकल बिगिनर को देखा है बस वेट डालते हैं, आते सर पहला सेट वार्म अप भी नहीं करते, वार्म अप गया भाड़ में, वार्म अप तो करने ही नहीं है उनको, सीधा बस वेट डाल दो पहला फटाफट हैवी लग जाए उसके बाद देखेंगे, ये होता है आजकल। एनीवे ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं बिगिनर की, मैं क्या क्या बताऊं आपको, तो हम बढ़ते हैं अपने सेट के ऊपर जो कि है 100 किलो का, जिसके आराम से 8-9 रैप लगाने हैं। तो 100 किलो के मेरे आराम से 8 रैप आ चुके हैं जैसे कि आपने देखा है। आई एम वेरी हैप्पी इन दिस, मुझे खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं करता, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं 2 रैप लगा के पीछे 8 रैप और पीछे सपोर्ट बंदा खड़ा के नहीं करता जो कि लोग करते हैं आजकल, मुझे खुशी है इतनी। तो बस अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेट के ऊपर जो कि लगाने हैं लंजेस। मैंने कुछ लोग लंजेस डंबल से करते हैं, कुछ लोग लंजेस बारबल से करते हैं, कुछ लोग लंजेस जो होता है वो केबल से रोप खींच कर करते हैं, तो मैंने डंबल से बहुत बार किया वॉकिंग लंजेस 35-35 के उठा के, अब तो इस बारी मैं केबल से ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपने ये सेट कभी नहीं किया तो आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा सेट है, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है हमारे फ्रंट क्वाड्स के ऊपर, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। लंजेस के इस एक सेट के बाद ना मेरी लेग्स की ऐसी ना हो गई थी कि मेरे से खड़ा भी नहीं जा रहा था, तो इसकी जो फीलिंग थी मैंने आपको एक्सप्रेस करी है वीडियो में, थोड़ी सी आपको सुन रही होगी। तो मेरे को आगे 2 सेट और लगाने थे, फिर मैंने इसके 2 प्लेट और बढ़ा दी, मतलब एक प्लेट 5 किलो की थी, तो 70 किलो के बाद मैंने कर दिया 90 किलो। भैया ना हो गया पूरी, कितनी तगड़ी ना हो गई है, पर लगाना पड़ेगा लेग्स बनानी है तो। तो लंजेस के 3 सेट कंप्लीट करने के बाद मैं बढ़ता हूँ अपनी अगली एक्सरसाइज के ऊपर जो कि है सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट को मैं स्टार्ट करता हूँ 25 किलो के डंबल से, 25 किलो के डंबल से मेरे आराम से 16 रैप निकल जाते हैं, तो उसके बाद मैं बढ़ता हूँ सीधा 35 किलो के डंबल के ऊपर, उसके लगाने थे मेरे को 15-16 रैप, तो भैया वो देखो आप।
तो 35 किलो के डंबल के साथ मैंने दो सेट और लगाए 15-15 रैप के। उसके बाद तो ऐसे हो गया था भैया आप बस घर ले चलो कोई। उसके बाद मेरे को चलना था अपनी अगली एक्सरसाइज के ऊपर जो कि लगानी थी मेरे को लेग कर्ल, और उसके मेरे को लगाने थे 5 सेट 15 रैप जो कि मैंने सेम वेट के साथ लगाए थे। तो लेग कर्ल के 5 सेट 15 रैप कंप्लीट करने के बाद मैं चल पड़ा अपनी अगले एक्सरसाइज के ऊपर जो कि लगानी थी मेरे को काफ रेसेस। तो अपनी आखिरी एक्सरसाइज लगाने के बाद मैं चल पड़ा सामने पनीर लेने जिसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी क्योंकि प्रोटीन तो वहीं से नहीं मिलता ना मेरे को, मैं वे प्रोटीन तो लेता नहीं हूँ जो कि मैं एक स्कूप मारूँ और 25 ग्राम प्रोटीन अपने अंदर ले लूँ, तो मेरे को पनीर बहुत ज़रूरी था लेना। तो पनीर लेके अपन आके घर आराम से खा के सो गए। भैया 70 का पनीर दे दो, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भैया, पनीर ले रहे हैं फिर घर जाके आराम से खा के। ओके, तो जिन लोगों ने ये स्टोरी बिल्कुल एंड तक सुनी है, मतलब ये भी सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।